अच्छा जी, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट दो चीजें आज हम करेंगे, एक ब्रेक से पहले एक ब्रेक के बाद। पहले स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग। आपके ख्याल में अदारों में बड़े लोगों को, इंपॉर्टेंट लोगों को ये चैलेंज होता है? बहुत फर्क है। ये तो आप हर रोज कर रहे होते हैं ना पॉलिसी मेकिंग, तो हर रोज हो रही होती है। और हर रोज के अलावा ये दिस इज मोर ऑफ, ये आपकी स्ट्रेटेजिक भी है, छह महीने साल डेढ़ साल में आपने क्या करना है, तो किधर जाना है, डायरेक्शन क्या लेके जानी है ऑर्गेनाइजेशन की। अब आपके साथ ये तो हो गया अकेला, फिर होता है आप चार पांच लोग एक टीम में बैठे हो, आप एचआर के लोग हैं, फाइनेंस के लोग हैं, लीगल बैठा हुआ है, और आपने एक डायरेक्शन देनी है, आपको चाह रहे हैं, तो कैसे होगा? वो तो बातें ही होगी, वो तो सिर्फ बातें होगी, अचीवमेंट तो नहीं होगी ना। अब इसमें जो मैं आपको टॉपिक देने जा रहा हूँ, दिस इज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, जो मैं आपको यहाँ लिखने जा रहा हूँ, दीज आर वर्थ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। इसको आप कुछ नाम दे दें, लेकिन इसको जो मैंने अभी तक स्टडी किया और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो दो हैं। पर ये अकेले आदमी के लिए कम होता है, लेकिन अगर आप टीम में काम करें उसके लिए फ्री थिंकिंग जोन। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है ये फ्री थिंकिंग जोन और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। इस वर्ड के अंदर जरा देखें, जरा सोचें, डाइवर्जेंस ये एक ही चीज है, नाम फर्क है, लेकिन अगर इस पे जाएं डाइवर्ज करना क्या होता है, डाइवर्ज कर देना, और कन्वर्ज होता है पहला प्रोसेस है डाइवर्ज करना, और उसको करने का प्रिंसिपल क्या होता है, कोई आपको जज नहीं करेगा। उसके लिए आइडियाज हैं फ्री थिंकिंग जोन, और इसके अंदर पहला बेसिक असूल होता है, जब ये इस तरह आपने करना है तो पहला बड़ा बड़ा उस रूम में लिख दिया जाता है, आपने एक दूसरे को जज नहीं करना और एक दूसरे पे हंसना नहीं है जो आइडियाज आ रहे हैं, पहला उसका असूल ये। अगर आप नहीं कर सकते तो आप रूम से बाहर चले जाएं। अगर आपने किसी के पे हंसना है, किसी को जज करना है, जज यही होता है ना कि मैं को बात करूंगा मुझे जज किया जाएगा कि क्या उल्टी सीधी बात कर दी, तो आपने इन दो को करने से पहले फ्री थिंकिंग, कोई किसी को जज नहीं करेगा, और अब डाइवर्ज करेंगे इन दोनों के अंदर। अब डाइवर्ज करते हैं, डाइवर्ज कैसे करते हैं, आप टीम्स में बैठते हैं आप, या अगर 10 लोग हैं तो तीन तीन लोगों की टीम्स बना लें, एक में चार बैठ जाए, दो में तीन तीन बैठ जाए, फिर वैसे ही चार लोग हैं तो चार लोग बैठ जाए, एक ही बन जाएगी वो। उसमें आप कहेंगे कि यार ये प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम कोई बताएं किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, सेल्स नहीं आ रही, लोग प्रोडक्टिव नहीं है, लोग काम नहीं कर रहे, लोग लीव ज़्यादा ले रहे हैं, लोग ऑनेस्ट नहीं हैं, इशू आ गया, उसको हल करना है। अब उसको हल करने के लिए आप बैठते हैं, आप कहें यार बताओ इसका हल क्या है, और कुछ भी हल हो सकता है कि यार लोग काम नहीं कर रहे, लोग टाइम ज़ाया करते हैं, ये एक इशू आ गया उसका, यार लोगों का हॉकी खेलें, ये भी एक अगर इसका हल है, आने दें, हंसे मत, फ्री। मैंने जान के आपको ये वर्ड यूज़ किया, आप कहेंगे काम और खेलने का क्या लिंक है, कि एनी आइडिया इज़ ओके इस जोन में, क्योंकि अभी आप फ्री थिंकिंग में और डाइवर्जेंस कर रहे हैं। अभी एनीथिंग दैट माइट साउंड स्टूपिड बट यू थिंक कैन मेक सेंस, उसको भी आने दें, क्योंकि आप अभी डाइवर्जेंस में हैं और अभी आप फ्री थिंकिंग जोन में हैं, क्योंकि आपने सारे अपने जो पुराने ख्यालात और जो लोगों ने आपको कहा हुआ है ये करोगे तो ये नुकसान होगा, ये करोगे तो ये ना करो, वो सारी चीजें आपने हटा दी हैं और अब आप बिल्कुल आप फ्री थिंकिंग जोन में आ गए हैं। एनीथिंग यू फील नीड्स टू बी डन, तो आप सब लिख लें, 10 पॉइंट्स लिख लें, अब आप 10, 6, 8, 10 पॉइंट्स लिख लें। कहां तक पहुंचे हम, हो गया, लिख लिए 8-10 चीजें हमने लिख ली। एनीथिंग मुझे आइडियाज दें कि जी, अगर मैं एग्जांपल आपके साथ साथ करता हूँ, लोग कंपनी के साथ लॉयल नहीं है, टर्नओवर का इशू है, लोग कंपनी के साथ लॉयल नहीं, अपने सिर्फ अपने पेचेक से लॉयल हैं, ये इशू आ गया, आप हमें बताएं, आइडियाज बताएं कि किस तरह इसको एड्रेस किया जा सकता। सर,
जैसे कि आपने कल बताया कि अगर आप जो कंपनी में जो लोग हैं आप उनका बीमा करवाएं उनके फ्यूचर के अच्छा, बारे आप में कह रहे हैं कि जी उनकी कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स पे काम करें। अच्छा जी, वर्क लाइफ बैलेंस, आपके ख्याल में ये चीजों से लॉयलिटी बेहतर होगी। और बताएं मैनेजमेंट का इंसेंटिव यहाँ आ गया ना, ठीक है। पर्पस जॉइंट, पर्पस कह लें जी, पर्पस जॉइंट थी, चलें जी। और जी अभी तक आप लोग फ्री थिंकिंग में नहीं गए, आप लोग वही कह रहे जो मार्केट में है। मैं तो कह रहा हूँ आपने जाना है फ्री थिंकिंग में, आए डाइवर्जेंस। आप कहें जी उनको कहें सर हफ्ते में 6 दिन ऑफिस आके बस काम ना किया करें। I want you to think out of the box. ये तो भी आप normal thinking कर रहे हैं ना, you're just saying normal thinking. सैलरी ज़्यादा कर दे, work life balance कर दे, management ये। यहाँ हम गलती करते हैं, यहाँ हम गलती करते हैं। We need to always start with why. Why? क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं loyalty आ रही? क्यों नहीं आ रही? Before we free thinking zone में जाएं, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जब वाई आएगा ना तो देन वी विल सॉल्व इट। हम सीधा इस पे आ जाते हैं ना। आई वॉन्टेड टू सी कि हम किस तरह फॉरन चलते हैं। आई वॉन्ट यू टू गो इन फ्री थिंकिंग जोन। लेकिन अभी अब वाई पे आ जाए कि लॉयलिटी क्यों नहीं होती अदारे में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यस प्लीज, आप कह रहे हैं कि खर्चा ज्यादा है लोगों का, जिंदगी महंगी है, करते जाए नोट करें जी। फ्री थिंकिंग जोन में आप भी जाए ना, तो दूसरा हो सकता है तंग आ गए यार, मेहनत कर करके तंग आ गए, नहीं बस हम कहते काम करो। टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें वाय पे आए, वाय सब सोचें आपके। और अगर आपके पास अदारे नहीं हैं, आप घर में काम करते हैं, तो बताएं आपका ड्राइवर, आपका जो घर ममाली आता है, वो क्यों नहीं लॉयल हमारी तरफ से? जो ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं उनका रूड, इस वजह से भी लोग लॉयल नहीं होते। और हम क्या कर रहे होते हैं कि जी टर्नओवर का इशू आ गया जी, वाई पे ना जाओ पहले जी इनको पे कर दो फलाओ। भाई इश्यूज तो सॉल्व करो पहले, या अगर सॉल्व नहीं करने रियलाइजेशन, पता हो हमें टॉपिक, हम कैसे लोग हैं, हम भी चेंज होंगे, लेकिन पता तो खामियां कहाँ हैं। तो वाई से लिखें फ्री थे थिंकिंग जोन में। अभी सिर्फ डाइवर्ज फेवरेटिज्म। अच्छा, अब आपने डाइवर्ज कर लिया, अभी तक आपने डाइवर्ज सही नहीं किया, आपने ऐसे मेरे कहने पर ऐसे खानापूरी कर दी, सोचा नहीं सही, हो गई। अब मैंने आपको जज नहीं किया, आपको ना आपने किसी को जज किया। इनमें से अब तीन चीजें उठा लें, टॉप की तीन, खुद ही बैठ के कि यार ये तीन चीजें रियल कॉज है जिसकी वजह से नहीं हो रहा, और उनको अब एड्रेस करें बाय डूइंग कन्वर्जेंस। तो वाई में आ जाए ना, अब उसको भी वाई में जाके उसको देखें, वाई इज दैट टॉक्सिक, और उस पर कन्वर्ज करें अब ना। अब वो तीन चीजें उठा लें एंड उसके ऊपर पूरा एक फिर होता है तैयार करते हैं पेपर, हाउ टू डू इट। आप ये सारे आइडियाज आप लोगों के ना आ गए, इनमें से आप लोगों ने पिक किया आके, आप सब ने कि यार मेरे ख्याल से ये टॉप के तीन इश्यूज हैं, आप सब ने किया, जिसके वोट ज्यादा आ गए हैं। मैं इलेक्शन नहीं कराना चाह रहा, आप सब अपने अपनी राय देंगे कि यार ये हमने लिख दिए। चलो अगर मैं करूँगी ये जी 6 हो गए, ठीक है, 6 में मैं सबसे पूछता हूँ कितने हैं। किसी ने इसको 2 दिए, 2 लोगों ने इसको कहा, 6 ने इसको कहा, 5 ने इसको कहा। तो हमने कहा यार ये हैं इश्यूज, ये क्योंकि सारे अग्री नहीं कर रहे तो ये इशू नहीं है, ये इश्यूज हैं। तो हमने चूज कर लिया कि दीज आर द 3 इश्यूज। आपने किया खुद ही, मैंने कुछ नहीं किया, आपने लिखे इश्यूज कि जी वाई लिखा आपने, और फिर मैंने आपसे पूछा आ जाए एक एक करके इस पर मार्क करते जाए कि आप आएंगे आप इस पर टिक करेंगी, आप आएंगे इस पर, टोटल हम एंड में काउंट कर लेंगे किसके ज्यादा टिक मार्क्स हुए हैं, वो हैं इश्यूज, दैट इज वाई। और उसके अंदर किसी ने फोर्स भी नहीं किया, किसी को झगड़ा भी नहीं हुआ, आप बड़े ही, आपका ख्याल था नहीं यही है यही है, बट बाकी सबका तो ख्याल ये है। अब आपको क्या हो सकता है, आप चुप ही रहेंगे, अब क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे अब आप खामोश। अब आपने कहा अब चुप हो जाओ इधर, अब इस पे आ जाओ, एंड नाउ लेट्स कन्वर्ज हाउ टू फिक्स दिस, लेट्स गो इन टू द रूट कॉज ऑफ दिस। फिर इस पे बनते हैं चार्ट्स, बनते हैं एक्शन आइटम्स, फर्स्ट स्टेप है कि ये क्यों है, इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप बड़ी प्रॉब्लम को आपने तोड़ दिया उसको आपने, वरना तो आप सोचते रहेंगे हर वक्त लोग लॉयल नहीं है। अब आप लोगों ने हल ढूंढा कि ये करने से पहले ये क्यों है, फिर आपने कहा ये करने से ये प्रॉब्लम हल हो सकती है, और उसको करने के लिए ये एक्शन आइटम्स हैं 4, ये आप लोगों ने कहा।
तो सिंस आप लोग इसका हिस्सा बन गए हैं, सो नाउ यू विल ओन इट. आप पे वो इन्फोर्स नहीं की गई वो के, वरना बोर्ड रूम में गए और वहां पर चार लोग बैठे हुए, एक बोलता रहा उसने कहा ये करना है, बाकी तीन बाहर आते हैं यार मुझे तो कहा मैं क्या करूं, कह दिया फोर्स कर दिया, अब करें. आपने होल हार्टेडली तो नहीं करेंगे ना आप. तो जब कंपनियां फंस जाती हैं तो वो फिर कंसल्टेंट हायर करती हैं बाहर से, और वो आके ये करते हैं, क्योंकि अपने जो 10 लोग हैं कंपनी के, 20 लोग वो आपस में काम नहीं कर रहे, हार्मनी नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. वो कह रहा है मुझे पता है, वो कह रहा है मुझे पता है. तो कंपनी कहती है अच्छा यार, फिर $20,000 खर्च करते हैं, एक कंसल्टेंट हायर करते हैं, वो आके हमें ये बताता है फ्री थिंकिंग जोन क्या होती है और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या होती है, वो चार्ट पे ड्रॉ करके सारा बताता है. प्रॉब्लम्स पहले ही आपके पास होते हैं, हल भी होते हैं, लेकिन आप झगड़ों में इतने फंसे होते हैं कि आप उसको हल पे नहीं जा रहे होते. ऑल यू हैव इज अ स्टॉर्म ऑफ वर्ड्स, तूफान होता है एक अल्फाज का मीटिंग्स के अंदर कि नहीं होता. तो वो तो एक उसको मैं बोलता हूँ एक स्टॉर्म ऑफ वर्ड्स है, आंधी है अल्फाज की, उसमें से हल तो कुछ नहीं हो रहा ना. अनलेस एंड अंटिल वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपने, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर्ड वे में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं जो प्रॉब्लम आया, वरना तो अल्फाज हैं भाई का उस पर कोई हल है कि यार ये कर लो ये वो है, बोलते रहेंगे घंटों. बट वैन यू ड्रॉ इट आउट एक स्टेप वाइज आपने चीज़ें लिख दी हैं, तो फिर वो मोर और लेस उसके अंदर भी इंसानों ने ही कामयाब करना है, लेकिन नाउ एटलीस्ट यू नो व्हाट द प्रॉब्लम्स आर एंड हाउ टू एड्रेस देम, उसके एक्शन आइटम्स क्या हैं. उस पर भी आप ना अगर अमल करें तो कोई हल नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट नाउ यू नो दीज आर थिंग्स. लोग अपने रोजगार के चक्कर में फंसे इतने होते हैं कि वो मालकान को या टॉप लोगों को सच बोलते ही नहीं है, मीटिंग्स में बाहर आके बोलते हैं, अंदर नहीं बोलते. मैंने देखा है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा. अंदाजे बयां है ना, अंदाजे बयां बदल देता है बात, वरना इस दुनिया में कोई बात नहीं, बात नहीं है अंदाजे बयां. जिस तरह कल उन्होंने बताया था, एक भाई बैठे हुए थे पीछे को, वो कोई HR में आई थी खातून, वो चीख रही थी, शाउट कर रही थी, उन्होंने प्यार से बात की, वो मसला हल हो गया. अगर वैसे ही आके कहती हैं कि सर मुझे प्रॉब्लम है तो ज़्यादा इजीली हल हो जाता. टेम्परमेंट जो हमारे बिहेवियर्स हैं ना, और उसके अंदर हमारी गलतियां नहीं हैं, मत अपने पे डालें कि आप, हम इर्द गिर्द जो देखते हैं हम वही बन जाते हैं. कभी आपने देखा है आप यहाँ रोड पे जा रहे हो और लोग कुछ चेहरे पे हंसी हो, हमारे चेहरों की शेप ही ऐसी हो गई है यूं करके ना, यूं करके हमारे यूं बन गए चेहरे सारों की, विद एज हमारी शक्लें यूं आ जाती नीचे की तरफ, परेशान रह रह के हमारे चेहरे यूं हंसी वाले हैं ही नहीं, ऊपर जाने वाले. चाहे रोड पे जाएं, देखें मुझे मत देखें, बाहर जाएं देखें. तो जब रवैये ही हम जब वो रवैये लेके आ रहे हैं तो काम पे आएंगे तो वही लोग हैं ना. लेकिन आपने देखा कि ये हंसी जो है, ये अगर आपकी इस एज में अभी है, आपकी जो एज है, डोंट यू थिंक आप जो सीनियर लोग बैठे हैं कि जब वक्त गुजरता जाएगा और ये 30-35 के होते जाएंगे तो हंसी एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी हंसी, माशरा मार देगा आपको जो इर्द गिर्द हो रहा है. सो इसके अंदर आप जो अंदाजे ब्याह है ना, इसको हम बोलते हैं, जैसे ईमेल्स आती हैं आप लोगों को, ईमेल्स दफ्तरों में आती है, उन्हें कहते हैं मैं भी आंसर करने लगा हूँ, आप फौरन आंसर. उसमें आपने क्या करना है, एक टिप है आपके लिए, टिप बहुत इंपॉर्टेंट टिप. जब आपको कोई बदतमीजी की ईमेल लिखे, CC में आपके बॉस को कर दिया, हर चीज कर दी, आपने क्या करना है, आपने फौरन ईमेल खोलनी है और आंसर टाइप करना है और उसको भेजना नहीं है, उसको रख दें आउटबॉक्स में, रख दें कहीं, और अब आप बाहर निकलें, एक गिलास पानी पिएं, गाना सुने, आराम से बैठें, आसमान देखें. दो चीज़ें लाजमी देखें, घास हरे रंग और आसमान नीला रंग. अल्लाह ने दो रंगों में बरकत डाली है चैन की. ये ऐवें नहीं अल्लाह ने नीला रंग बना दिया ये हरा रंग, ये लाल पीला भी हो सकता, और भी रंग हो सकता था. नीले रंग में और हरे रंग में इसमें तासीर है, ठंड जाएं बाहर बैठें. अब जब वापस आएंगे, ईमेल पढ़ेंगे, आपको खुद हंसी आ रही है, तो यार मैं क्या लिखने लगा था, ये मैं क्या लिख दिया तुम्हारे. ये अपने ट्रायल लाजमी करना है. जब आपको ना कि मैंने फौरन आंसर देना है, SMS WhatsApp जो ग्रुप्स पे चल रहा होता है, आंसर लिखो, छोड़ दो, बाहर निकलो, पानी एक गिलास पियो, चाहे जो भी, आसमान देखो, रात के टाइम में तारे शारे देखो, घास देख के आराम से फिर के वापस आके देखोगे आपको अपनी सोच पे खुद हंसी आ रही होगी. तो वो जो है ना, कहा ठीक था कहा गलत था, वो हल हो जाता है. इस दिमाग के अंदर इतने हार्मोन्स हैं ना,
इंसान की शख्सियत के और इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसी एम ए शायर नहीं कह गया कि अंदाज़े बयां बदल देता है बात, बात वही है, हाउ यू से इट, हाउ यू हैंडल इट, उसका आउटकम फ़र्क होता है। रोज़ वही काम हो रहे हैं, रोज़ पे रोज़ वही होते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक में हादसे होते हैं, बिजली के बिल आते हैं, ज़िंदगी में नाकामी होती, कामयाबी होती, लेकिन हर दिन का अंजाम वो सेम नहीं होता है एट द एंड ऑफ द डे। आपने उस दिन उसको कैसे हैंडल किया। सो दिस अप्लाइज एट योर वर्क ऑल्सो। पेशेंस वो इसमें आ गया ना, ये जब आपने जज नहीं करना किसी को, यू हैव नो राइट टू। वो जो कहानियाँ जो हम देखते हैं जी, आप इधर से देख रहे हैं तो 6 है, उधर से देख रहे हैं तो 9 है, बोली कहानियाँ हर बंदे का। इसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आपकी किसी से बहस हो ना, आपने दो चीज़ें क्या कहनी है और बहस एंड कर देनी है। वर्ड है प्रस्पेक्टिव, और आपने एंड कर देनी बात। प्रस्पेक्टिव ये आपका ये भी एक देखने का एक वे है, जहाँ से आप देख रहे हैं वो आपको शदी लग रहा है, जहाँ से हकीकत है, जहाँ से मैं यहाँ दे, और अब आप बहस ख़त्म कर दें। जस्ट अ प्रस्पेक्टिव, एवरीबडी हैज़ देयर ओन perspective about an issue according to the exposure, according to the learning, according to the knowledge of the issue. अब आप किसी को, जब मैं इस रास्ते से आया हूँ, मैं तो इधर से आया ही नहीं हूँ, आप इधर से आए हैं, आप मुझे इधर के इशू दे रहे हो, मैं उस रास्ते के इशू से बता रहा हूँ। अब आप जो मर्जी कहेंगे मुझे आएगी नहीं समझ में, झगड़ा करता रहूँगा, तो उसका बेहतर हल है प्रस्पेक्टिव। इसका उर्दू क्या होता है इसका, आपका अपना नुकता निकाह। आप एक जरा चीज देखें जरा कि कितने लोग हैं, 40। हम 40 अलहदा अलहदा शख्सियात हैं कि नहीं है? हैं। हमारी 40 की डिफरेंट ड्रीम्स हैं, हमारी 40 की डिफरेंट फियर्स हैं, हमारे 40 के डिफरेंट खदशात हैं, हमारी 40 की डिफरेंट फिजिकल डिसएबिलिटीज हैं। हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं, हम एक जैसे कैसे सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं एक, हम कैसे कर सकते हैं। तो उसको व्हेन यू अंडरस्टैंड, आई एज अ लीडर हियर अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर डिफरेंट, मैं आपको एक पेज पे कैसे ला सकता हूँ। आई कैन जस्ट हेल्प यू थिंक इन अ सर्टन वे एंड दैट इज इट। आई कैनॉट मेक यू लाइक मी एंड यू कैनॉट इम्पोज योर सेल्फ। हम सिर्फ एक आइडियाज के जरिए कॉमन जो है वो चीज पे आ जाए जो हमने अग्री की है, नाउ लेट्स वर्क टूवर्ड्स इट। अगर आप ज्यादा कहीं फंस गए हैं तो आपको फिर उसके लिए इट्स लिटिल अनएथिकल आई वुड से। बट अगर आपकी मीटिंग के अंदर ये जरा इससे हट के है, इसका नेक्स्ट मैं कह रहा हूं एक स्टेप है, छोटे लेवल पे ना कीजिएगा। अगर आप फंस गए हैं कहीं पर और आपको पता है कि आपने कल जो मीटिंग के अंदर चीज प्रेजेंट करनी है वो 8 लोगों के सामने करनी है, और उन 8 लोगों में से 4 ने आपको बेवजह अपोज करना है, आपको उन्होंने आपको बेवजह अपोज करना है, तो उसके लिए आप जाते हैं कंसेंसस बिल्डिंग के अंदर, इनफॉर्मली कंसेंसस बिल्डिंग के अंदर। हाउ डू यू डू इट? आप 1-2 दिन पहले मीटिंग से पहले उनको अपना डेटा आधा पचद्दा जो आपके पास है जब शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें की चीज़ें नहीं हैं, आप उनसे शेयर करते हैं। आप कहते हैं यार मैं ये करने लगा हूँ, हेल्प मी आउट, व्हाट्स आपकी क्या थॉट्स हैं इस पे, मुझे हेल्प कर इसमें, थोड़ी सी बता मुझे क्या है। क्योंकि अब आप उसने आपका डेटा देख लिया, अब उसको पता है, आप उसकी ईगो भी ऊपर हो गई कि मुझे हेल्प ली। अब जब वो डेटा आता भी बेशक उसने देखा और अब आपने पूरा खोला उस मीटिंग के अंदर, इखलाकी तौर पे अब वो आपको अपोज नहीं करेगा, ना कि वहां पर पहली दफा देख के आपके इसमें ये कैसे हुआ, इसमें ये कैसे हुआ, इसमें इसको बोलते हैं कंसेंसस बिल्डिंग। अगर आप बहुत आपको अगर आपको फील हो जाए कि आपका ये चीज ठीक है, कंपनी के लिए ठीक है, और ये बेवजह की अपोजिशन करके मुझे मीटिंग के अंदर गंदा करेंगे और कंपनी का नुकसान होगा, तो उसे पहले कंसेंसस बिल्डिंग कर लें उन लोगों के साथ, ताकि यू आर ऑन द सेम पेज, और जिसने फैसला लेना है वो अल्फाज के तूफान में फंस ना जाए। वो डोंट यू थिंक इफ यू गो टू पीपल हु डोंट नो योर बिजनेस चैलेंजेस विल नॉट एडवाइज यू 100% जिस जो उनको करना चाहिए, बिकॉज उनको तो आपके डायनेमिक्स का नहीं पता ना, उनको तो आपके चैलेंजेस नहीं पता, वो तो आपके सिर्फ शाम के दोस्त हैं, उन्होंने तो एक साइड आपकी कहानी पता है, आपके एम्प्लॉयज की तो कहानी नहीं पता। आप तो जो कहेंगे, आप कहेंगे यार मेरे एम्प्लॉय सेल्स वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, गाड़ियां भी लेके दी हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है, सेल्स नहीं ला रहे,
वो कहेगा भाई ये बंदे होते ही ऐसे हैं और टाइट कर इनको। अब आपने उसे पूछ लिया कि कंसेंसस बिल्डिंग होगी सुबह के और टाइट कर दिया। तो पूछना उनसे नहीं है जिन जिनको कि दोनों चीजों का नहीं पता, पूछना उनसे है, राय उनसे लेनी है जिनको पूरी कहानी का पता है उनसे, और उनको बोर्ड रूम में लाके उनको एक प्रॉपर वे में उन्हीं से पूछें। अगर सेल्स की टीम काम नहीं कर रही सही, हाउ कैन वी इंप्रूव द सेल्स, लेट देम से जो काम नहीं कर रहे, हाउ कैन वी इंप्रूव, वो खुद बताएंगे व्हाई हम नहीं कर रहे और फिर बताएंगे किस तरह हम कर सकते हैं। और जब खुद दे रहे हैं कि हम इस तरह कर सकते हैं और आपको लग रहा है कि इस तरह हो सकता है, तो अब उनका बाय इन हो गया ना, अब वो आपको बोल रहे हैं कि कैसे हो सकता है, उनको मशवरा भी देना चाहिए इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। पायलट ने किससे नहीं पूछना, तो सीईओ ने कस्टमर से नहीं पूछना, सीईओ ने कस्टमर से नहीं पूछना, सीईओ ने कंट्रोल टावर लाजमी फोन करना है, बता कितने जहाज खड़े हैं आगे, सीईओ ने गेज लाजमी देखनी है कि तेल की टैंकी फुल है कि नहीं है, मैं जो ऊपर चक्कर मारूंगा क्या होगा, सीईओ ने वेदर वाले से लाजमी पूछना है, सीईओ ने कंसल्टेशन लाजमी करनी है पायलट ने, और वो टीम होगी एक, को पायलट है, को पायलट है, उसने फिर पूछना होगा अपनी एयर होस्टेस से, अगर मैं एक घंटा जहाज लैंड नहीं कर रहा, बारिश हो रही नीचे, मैं अगर दूसरी जगह जाऊंगा तो क्या तुम्हारे पास खाने का इंतजाम है, क्योंकि मैं इनको इतनी और लेके जा रहा हूं। तो कंसल्टेशन तो कर ली ना उसने विद द टीम, विद द टीम, कस्टमर से नहीं पूछना सीईओ ने, वो भी हालांकि फीडबैक आने चाहिए वहां से कि कस्टमर क्या ले रहा है, वो एक और वे में है, बट पायलट अलोन इफ ही थिंक्स के वो कर लेगा, ग्रेट, ही इज नॉट टॉकिंग टू द कंट्रोल टावर, कैसे होगा, बिकॉज ये जो चीज है ना, इस चीज के लिए आपकी कंपनीज हजारों डॉलर पे करती हैं, बिल्कुल, ये जो वर्ड्स है ना, ये आप अभी आपको इसका फायदा नहीं हो रहा, मैं आई एम प्रीटी श्योर इन द नेक्स्ट 5 years और सो, मे बी इन द 5, किसी को 5 months में हो जाए, किसी को 5 साल बाद, बट ये टॉपिक्स आपके सामने लाइफ में आएंगे और इंशाल्लाह आप उस वक्त पे बैठेंगे, मेरी चेहरा आपके सामने आएगा और आप हंसेंगे एक दफा, कहेंगे यार और साथ वाला कहेगा तू क्यों हंस रहा है यार, तू ये नहीं पता यार किसने कहा था मुझे। सो दीज थिंग्स, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट whenever you get stuck and there are a lot of words of ek storm aa raha hai andhi alfaz ki aur jhagde ho rahe hain, break it down, break it down, aur structured problem solving aise hoti hai, is pe lums mein aap chale jaye, is pe aap duniya mein kahin chale jaye, courses yahi hain, ab aap usko kis tarah hal karna cha rahe hain ye totally aap pe hoga, ye to variety of thinking hai, agar aap paisa earn karna cha rahe ho na, सोचो अपने आप से कि हाउ कैन यू बी पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमी, आपको अपनी फैक्ट्री से, अपने स्कूल से, अपनी चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपने इंटरनेशनल इकोनॉमी का हिस्सा बनना है, आपने बड़े पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा, और आपको अगर आपने इस तरफ जाना है और आप इस तरफ से आते हैं, तो अब आपको अपनी ज़िंदगी में उधर से एक दो दफ़ा आना चाहिए, पता हो तो वो उस रास्ते में है क्या। If you don't come from or if you don't know the challenges of that industry or that nation or that part of the world, how will you ab solve kaise karenge? Aapko ilm hai ki England ke andar log jo hain aur Australia ke andar jo log hain, they are very laid back. America mein aisa nahi hai. Australia ke andar aap shaam 5 baje ke baad koi banda kaam nahi karta, bahut thode log kaam karte hain. To agar aapne Australia ke sath kaam karna hai, to aap unko shaam ke baad agar push kar rahe hain, most likely they will not work with you. आप ऑस्ट्रेलिया में डियर नहीं लिखते किसी को, आप हाई लिखते हैं, अब डियर यू से इट फॉर अ लव्ड वन, लेकिन इंग्लैंड वगैरह में और अमेरिका में शायद आप लिख सकते हैं डियर जेसन, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लिखेंगे डियर जेसन, वो कहेगा ये मुझे इश्क की बातें कर रहे हैं मेरे साथ, इनको मेरे से लव हो गया। ये सेंसिटिविटीज़ क्या आपको इल्म होंगी वर्ल्ड की? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस अगर मैंने कहीं देखा है, थोड़ा घुमाऊँ, वो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा है। उन्होंने हर घर के पास, अक्सर के पास एक आरवी है, एक उनके पास एसयूवी, जिसको जीप्स बोलते हैं, हम जीप्स बोलते हैं, एसयूवीज बोलते हैं, ट्रक्स बोलते हैं, उसके साथ, और उन्होंने हर एवरी अदर वीकेंड उन्हें अपनी फैमिली के साथ बाहर जाना है उन्होंने, और बाहर कैंपिंग करनी है उन्होंने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इट्स टोटली
उन्होंने अपने ये जो जीप्स के ऊपर लगे हुए ना आयरन मैन लगे होते हैं, वो जो काले बम्पर्स लगे होते हैं, वहाँ हर जीप के साथ है वो आयरन मैन। आप कभी देखें ऑस्ट्रेलिया सर्च करें, उनकी उनकी हर गाड़ी के आगे एक एंटना है। वो इसलिए कि वहाँ पर सेल फोन शहरों से बाहर काम नहीं करते ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आपके लिए हैरत होगी कि वहाँ सेल फोन जो हैं शहरों के बाहर काम नहीं करते। इतना बड़ा है कि उनके पास टावर ही नहीं है। तो उन्होंने अपनी अगले किसी रेगिस्तो, अगर इन भाई ने, मैंने और आपकी फैमिलीज ने एक बनाया हुआ प्रोग्राम कि हमने इस दफ़ा जाके कैंपिंग यहाँ करनी है, तो हमने जो कोऑर्डिनेशन करनी होगी वो वॉकी टॉकी पे करेंगे उसके साथ, जीप के साथ। चैनल फिट किया हुआ यार, 11 नंबर पे आज हम हैं, तो हम तीनों की फैमिली जा रही हैं और हम आपस में कॉन्टैक्ट भी। उसमें सेल फोन नहीं है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में, शहर में है सेल फोन चलते हैं सब कुछ है। कितनी खूबसूरत, अब जब आप दुनिया के पर्सपेक्टिव में जाओगे चीज में, जहां से उनको पता ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप किसी को कहेंगे कि जी मेरा वो बिजली चली गई थी यूपीएस नहीं था, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, उनके लिए तो वो कॉन्सेप्ट ही और है। मैं लोड शेडिंग अब शायद दुनिया में कहीं कहीं कभी कभी हो जाती है, तो उनको पता है कि पावर आउटेज का, अब दुनिया को पता लग रहा है। अब हम ना हर 6 महीने बाद पढ़ लेते हैं कि जी अमेरिका की एक फलां रियासत में 2 घंटे की पावर आउटेज हुई थी, अब वो आ रहा है कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा, लेकिन वो भी 6 महीने बाद 2 घंटे की कभी आउटेज होगी या कभी कुछ। लेकिन यूपीएस बैठ गया था, हमारा बिजली नहीं थी, आज उन्होंने लाइन पे काम हो रहा था, 8 घंटे नहीं थी। यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ दैट इकोनॉमी, समझना पड़ेगा उनको। कोऑर्डिनेशन से ज्यादा अगर आपने उनसे काम करना है तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट ना, उनकी चैट, उनके इल्म तो आपको कौन लोग हैं, बिकॉज पैसा अब वहां से अगर आप यहाँ लाना चाह रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियल जहाद करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल जहाद ये ना वहां से नौकरी खत्म करके यहाँ लाएंगे, यहाँ पर अगर मैं भाई को 3 लाख रुपया देता हूँ तो वो बाहर का पैसा है, भाई ने क्या करना है उस 3 लाख के एवज, एक मेड भी रखनी है, एक ड्राइवर भी रखना है, 2 नौकरियां और हो गई साथ, फिर भाई ने जाके कहना है कि यार मेरा जो बेटा है उसको LCD नहीं लेके दूँ 40,000 की बोली, शॉप वाले का फायदा हुआ, सब कुछ आपने वो पैसे को यूं किया, वो पैसा जो बाहर जाना था वो यहाँ आ गया। तो यू हैव टू बी एटलीस्ट नो ऑफ देयर चैलेंजेस। शुक्र है कासिम अली शाह साहब जैसे लोग, सरफराज शाह साहब जैसे लोग जो एक नया सोच का जाविया ला रहे हैं, वरना कौन था, सिर्फ यही था जहां मैं जाता हूं ना कोई चीज का किसी से बात, और ये थे एनजी उंदा। ये आपको कहा जाता है कि नहीं कहा जाता, कहा जाता है ना, तो व्हाट सो व्हाट्स दैट, दैट इज द फोर्सेस ऑफ स्टेटस को, दोज आर, ये ना नून लीग है स्टेटस को, ना PTI है, ना पीपल्स पार्टी है, वो लोग हैं जो कहते हैं ना ओ जी बस NGA, वो हैं सही फोर्सेस ऑफ स्टेटस को, और फिर वही लोग जाके पार्टीज के हिस्सा बनते हैं, और फिर वही लोग जाके वो हकूमतों में आते हैं, और फिर वहाँ जाके भी यही कहते हैं जब कोई चेंज की बात होती है, और जी NGO होता है, इतने जी NGO होता है, इतने NGO होता है, इतने NGO होता है, सो यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट दिस। ये लोग, ये कासिम अली शाह साहब जैसे लोग काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं माफ कीजिएगा, वो था कि सोच का अगर आप किसी को कुछ सॉर्ड नहीं उठा सकते तो उसको अल्फाज से को अल्फाज से नहीं कह सकते तो सोचो उसको दिल में। तो हाँ, कासिम अली शाह वो काम कर रहे हैं लोग कि यार ये नहीं मानना अगर हमें कोई कहेगा और जी NGO होता है, NGO होंदे वाला जो है ना वो ना तो OD करने देता है, जब आप पॉलिसी चेंज करते हैं भाई ये क्या नहीं, और यार ये ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर चलने दे, they are the forces of status quo, and the same is happening in organizations and the same is happening at the national level. jahan se main dekh raha hu na aur jo meri limited mehdood akal aur meri mehdood tehqeeq meri mujhe jo keh rahi hai wo ye keh rahi hai ki average hard jobs will be out, okay, jahan par dimag lagana padega वो लाजमी नहीं प्रोग्रामिंग में, ऐसे ऐसे अब टूल्स आ गए हैं कि आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करके चीजें ही चेंज करनी है, लाल रंग को पीले से मैच करेंगे तो क्या होगा ये अकल बता सकती है, कंप्यूटर नहीं बता कर सकता, ये डिग्री चेंज होगी आगे। अगर यहां पर एडमिन की जॉब खत्म होगी तो वहां पर इस तरह की जॉब्स और स्टार्ट हो जाएंगी जो पहले थी नहीं। मुझे ये बताएं कि आज से 50 ईयर्स पहले कोई HR की जॉब थी, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब थी, कोई इस तरह की कोई और जॉब्स थी, कोई डेटा एंट्री की जॉब थी,
तो जो पहले लोग थे आज से 100 साल पहले, उनको कहा जाता था कि डेटा एंट्री की जॉब्स आएंगे और हमारी तो जॉब्स ही नहीं रहेंगी, पर लोगों की आई। पहले वक्तों में आज से 80 की दहाई में सिगरेट पीना सबसे बड़ा इशू था, आज की दहाई में कोविड आने से पहले बैक की प्रॉब्लम ज़्यादा इशू बन गई, क्योंकि हम काम पे बैठ करते हैं काम और फिर हम बैठते सही नहीं, और गर्दन के इशू बन गए क्योंकि हम झुक के काम करते हैं। गर्दन अब ज़्यादा इशू, अब बैक इशू ज़्यादा बन गया और स्मोकिंग आउट हो गई। और द डे एंड एज वी आर इन, जिसमें हम आई टाइम जो हमारा फेस टाइम वगैरह ज़्यादा हो गया है, अब हमारा ये इशू बन गया है और खून नहीं चल रहा बॉडी में सही, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, हार्ट रेट दिन में एक्सरसाइज की वजह से ऊपर गया ही नहीं। हार्ट रेट कब गया? जब एंग्जाइटी हुई। हार्ट रेट एंग्जाइटी की वजह से ऊपर गया है, हार्ट रेट वॉक करने की वजह से आधा घंटा ऊपर नहीं गया, जिसकी वजह से पूरा फोन स्पीड में ऊपर नीचे गया है। नेक्स्ट स्टेप मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे आपके लिए, मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको, मैं आपको पूरा ड्रॉ कर देता हूँ कि डाइवर्जेंस आपने की, फिर आपने कन्वर्जेंस की। डाइवर्जेंस के टाइम पे आप 8, 10, 12, 14 पॉइंट्स आने दें, बेशक 15 बन रहे आने दें, और इन्वायरमेंट ऐसा लाएं जिसके अंदर उस वक्त के लोगों को कहें फ्री थिंकिंग जोन करें। फ्री थिंकिंग में आप उनको यकीन दिलाएं कि आप जो भी आइडिया लाएंगे हम आपको जज नहीं करेंगे, वो लाएं और फिर सबको कहें अब बताएं इनमें से जो 15 पॉइंट लिख दिए गए, इनमें से आपके ख्याल में किस पे सब इकट्ठे हैं, कि तीन कौन से हैं। सो वो जो तीन है ना, उसके अंदर से फिर अब आप पे है कि नाउ यू अगेन, देन उसके बाद यू पिक वन, तीन के ऊपर फिर यू डू द सेम प्रोसेस। व्हेन यू कम टू वन, अब आप कहेंगे हाउ विल वी डू इट, और फिर आप लिखेंगे व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग इट, हाउ वी विल डू इट एंड व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग इट। उसके आप तीन तीन चार चार बना लेंगे और फिर उसको सब फंक्शन पे लेके जाएंगे नीचे, ये करते ये हमें इस ये इसलिए करना है और ये हमें रोक इससे हमें ये रोकेगा, कॉस्ट ज़्यादा है, हो सकता है आइडिया उसके जी, तो फिर वो कॉस्ट वाला है उसको एक तरफ पार्क करें, बाकियों पे आ जाएं, नैरो डाउन, देन लेजर शार्प आप उस पर एक पॉइंट पे जा रहे हैं। अब हो सकता है कि आप सारों की ही सोच गलत थी और वो सारा काम गलत हुआ, वो भी हो सकते हैं चांसेस, बट एटलीस्ट आपने कंसेंसस ले आए कि वो जो तूफान था जहां पर हर बंदा कह रहा था मेरी बात मानी जाए मेरी बात मानी जाए, अब आप एटलीस्ट आपने ये कर लिया, तय कर लिया कि यार ये करने वाली चीज़ है, ताकि आप सबकी डायरेक्शन तो एक हो जाए। ब्रेक इट डाउन, ये चार्ट्स बनते हैं ये ना, आप एक एक रूम तैयार करें, छोटा सा रूम जब आपने करना है तो उस पर आप डाइवर्जेंस का कन्वर्जेंस रूम, आप एक चार्ट्स लेकर ना, वो बड़े बड़े जो होते हैं वो चार्ट्स, उसके ऊपर आप ड्रॉ करते हैं ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स, और फिर आप उसके बाद ये है हम क्यों आए, अगर आप कभी फंस जाए हम क्यों आए, तो फिर वापस जाते हैं यार ये था इसलिए आए बैठे यहाँ पर, तो अपने वॉल के ऊपर करते हैं ये पूरा एक। ये मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया ना एक घंटे में, इट्स अ प्रोसेस ऑफ 2 वीक्स, एक्चुअली 2-2.5 हफ्ते का प्रोसेस है, तो मैं आपको एक चीधा चीधा उसके हाई लेवल उसको, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स आपको आइडिया हो करते कैसे हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश करें। मैंने ना डिज्नीलैंड में काम किया, इनमें क्या है डिज्नीलैंड, ऑरलैंडो के अंदर डिज्नी वर्ल्ड है, अब तो खैर वो भी चेंज हो गए हैं, कि कैलिफोर्निया के अंदर था डिज्नी लैंड। सो कैलिफोर्निया, मैं आपको थोड़ा सा ना नक्शा आपके ज़रा आपको ज़रा लेके जाता हूँ वहाँ पर है क्या। सो अमेरिका ना कोई इस किस्म का है, मेरे ख्याल से कुछ इस किस्म का ना, इस किस्म का है वो, ऐसा करके ही है, मैं थोड़ी सी कोई ये आपका न्यूयॉर्क है, यहाँ पर ये कैलिफोर्निया है, ये टेक्सस है, फ्लोरिडा और हवाई जापान और इधर ना कैलिफोर्निया के इस तरफ यहाँ पर हवाई है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑरलैंडो के अंदर ना डिज्नी वर्ल्ड है और डिज्नीलैंड यहाँ पर है कैलिफोर्निया में, एक ही कंपनी का है। तो डिज्नी वर्ल्ड के अंदर ना 9 पार्क हैं, 9 थीम पार्क हैं, और वो 40 मिनट के अंदर हम एक जगह एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते, इतना बड़ा है डिज्नी वर्ल्ड कि आपको अंदर 40 मिनट की ड्राइव कर सकते हैं आप, फ्रीवे उनके अपने हैं कि कैलिफोर्निया वहाँ वो। तो डिज्नीलैंड जो है ना, उसमें कहा जाता है कि आपको कोई बंदा परेशान नहीं वहाँ पर मिलेगा, आपको हर बंदा हंसता मिलेगा, और मैंने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ वहाँ पर, इट्स द हैप्पीएस्ट प्लेस इन द होल वाइड वर्ल्ड अर्थ डिज्नीलैंड। वहाँ आपको
एक एनवायरनमेंट, एक एम्बियंस, एक इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट ऐसा है, यू वॉक इन एंड यू स्टार्ट स्माइलिंग, यू आप पूरा पूरा दिन वहां रह सकते हैं, इतनी चीजें हैं वहां करने को, बच्चे रो भी रहे हैं लेकिन मतलब लेकिन वैसे भी खुशी एक एनवायरनमेंट में, वहां लोग हंसते हैं और खुश होते हैं जाते हैं चेहरे पर, हालांकि पैसा भी खर्च कर रहे हैं, सो वो खुशी वाली जो चीज़ है ना, खुश रहना सीखें और खुश के अंदर फैसलाबाद का कल्चर आउट करें। जुगत इज नॉट ऑन, वो आपका जुगत से, आपने जुगत ने आपके लोगों से ताल्लुकात इफेक्ट कर दिए, अब माने या ना माने, क्रिकेट और ऑफिस में और इस तरह की चीजों में मत करें, वो आपके कल्चर का पार्ट है एक एक हद तक है, लेकिन किसी दूसरे की किसी कमजोरी या उसकी किसी चीज के ऊपर या उसके ऊपर हंसना, दैट एक्चुअली टेक्स यू अवे फ्रॉम मेकिंग एसोसिएशंस।